सबसे पहले ये कोई बेन 10 का न्यू सीरीज का अपडेट नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जो कि फैंस चाहते हैं न्यू सीरीज में, मतलब कि आप लोग क्या क्या चाहते हो न्यू सीरीज में मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा। कुछ भी यहाँ पर अपडेट लीक के बारे में बात नहीं होगा, तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस फैंस सबसे पहले क्या चाहते हैं, फैंस चाहते हैं कि न्यू सीरीज का जो आर्ट स्टाइल है वो अच्छा रहे, बेन 10 क्लासिक जैसा भी रहेगा तो चलेगा, या फिर बेन 10 एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियंस जैसा आर्ट स्टाइल रहना चाहिए ताकि फैंस उसको अच्छे से देख सके। अब गाइस कहीं ना कहीं आर्ट स्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो देख लो बेन 10 ओमनिवर्स को स्टोरी वाइज अगर आप लोग देखोगे तो 5 स्टार, अच्छा एडिटिंग भी है, पर आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार है जिसके कारण ओमनिवर्स भी सक्सेस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होगा और आर्ट स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो वह सीरीज हिट नहीं हो पाएगा, इसलिए आर्ट स्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बेन 10 के न्यू सीरीज में बेन 10 अल्टीमेट एलियंस, एलियन फोर्स या फिर क्लासिक जैसा एनिमेशन रहेगा तो फैंस उसको जरूर देखेंगे। तो फैंस आर्ट स्टाइल अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज से। अब गाइस फैंस और क्या चाहते हैं, फैंस चाहते हैं कि एग्रेगोर को वापस लाया जाए, क्योंकि गाइस आप सभी को पता होगा फोर्ज ऑफ क्रिएशन में एग्रेगोर को इस तरह से हरवा दिया गया। माना कि अल्टीमेट केवन बहुत ज़्यादा पावरफुल था पर गाइस एग्रेगोर कुछ कर ही नहीं पाया। एग्रेगोर ने अकेले बेन को भी हराया, ग्वेन को भी हराया, केवन को भी हराया और उस छोटे वाले बेन को भी हराया, पर गाइस अल्टीमेट केवन जैसे ही आया एग्रेगोर वहां पर कुछ भी नहीं कर पाया। मान सकते हैं कि अल्टीमेट केवन बहुत ज़्यादा पावरफुल था पर एग्रेगोर को इस तरह से हरवा दिया गया, कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और एग्रेगोर इस टाइम कहाँ है ये चीज़ किसी को पता नहीं है। तो फैंस चाहते हैं कि एग्रेगोर का एक बार फिर से रिटर्न हो और हमें फिर से बेन के साथ फ्यूड देखने को मिले एग्रेगोर का। और गाइस फैंस अगला चीज़ क्या चाहते हैं, जूली को फिर से वापस लाया जाए। मैंने गाइस ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा, न्यू सीरीज़ में सब लोग जूली को देखना चाहते हैं बेन के साथ। अब देखो कहा जाए तो काइग्रीन के साथ शादी होगा बेन का, पर यह स्टोरी अगर चेंज होती है तो क्या पता हमें जूली फिर से आते हुए दिखेगी बेन के लाइफ में और हमें बेन एंड जूली का जो है वेडिंग या फिर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर जूली के साथ एक बार फिर से बेन आ जाएगा। अगर ये हुआ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर गाइस फैंस चाहते हैं कि जूली को एक बार फिर से लाया जाए और वो हमें फिर से बेन के साथ देखने को मिले, क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियंस में जूली ने काफी ज्यादा मदद किया था बेन की और बेन के साथ वो बहुत अच्छे से रही थी। तो इसलिए गाइस फैंस देखना चाहते हैं जूली को न्यू सीरीज में। अब गाइस फैंस अगला चीज चाहते हैं, एलियन एक्स से भी ज्यादा पावरफुल एलियन हमें देखने को मिले। देखो हम सभी को ये चीज़ पता है कि एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है, एलियन एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर अगर आप लोगों ने बेन 10 रिबूट का एलियन एक्स टेंशन मूवी देखा है तो वहाँ पर वो जो एलियन एक्स था वो हार गया था, इससे फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और गाइस कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट पड़ा है एलियन एक्स के पावर पर। कोई यकीन ही नहीं करता है कि एलियन एक्स 4-5 एलियन से हार जाए। तो गाइस एक ऐसा चीज़ कर सकती है बेन 10 टीम कि वह एक न्यू एलियन को इंट्रोड्यूस करे जो कि एलियन एक्स से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। इससे होगा क्या कि फैंस का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा आएगा, फैंस और अच्छे अच्छे एलियंस को देख पाएंगे और फैंस के नज़र में एलियन एक्स से भी बढ़कर कोई एक एलियन आ जाएगा। और गाइस फैंस अब क्या चाहते हैं, फैंस चाहते हैं न्यू ओमनीट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो गाइस मैं आपको यह चीज़ बता दूं कि बेन 10 के न्यू सीरीज़ में आपको 100% एक न्यू ओमनीट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसका आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गाइस आप लोग बेन 10 का कोई भी सीरीज़ उठा लो वहाँ पर हमें न्यू ओमनीट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स देखने को मिला ही है। तो ये चीज़ आप लोग 100% कन्फर्म ही मान लो कि आपको बेन 10 न्यू सीरीज़ में आपको एक न्यू ओमनीट्रिक्स जरूर देखने को मिलेगा। फैंस गाइस अगला चीज़ क्या चाहते हैं, डैगन का रिटर्न। आप सभी को पता होगा कि बेन भी नहीं हरा पा रहा था डैगन को, तो गाइस वहाँ पर विलगिक्स ने धोखा दे दिया था डैगन को और पूरा का पूरा डैगन को एब्जॉर्ब कर लिया था एक हाई एब्जॉर्प्शन मशीन से। फैंस को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि गाइस इतना पावरफुल था डैगन फिर भी उसको हरवा दिया गया, इस तरह से हरवा किया दिया गया, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो फैंस चाहते हैं कि एक बार फिर से डैगन का रिटर्न हो और जैसे ही डैगन रिटर्न करेगा वह सीधा अटैक करेगा विलगिक्स एंड बेन के ऊपर। तो क्या पता बेन 10 के न्यू सीरीज में हमें डैगन का भी रिटर्न देख
देखने को मिले। तो ये कुछ फैंस चाहते हैं न्यू सीरीज में। मुझे पता है कि और भी कई सारे चीजें हैं जैसे कि न्यू एलियंस, न्यू विलन्स, तो वो सब तो हमें देखने को मिलने ही वाला है, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें छूट रहा है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर।